यूएसए के खिलाफ मैच से ठीक पहले पाकिस्तान टीम को मिली तीन सबसे बड़ी खुशखबरी। अमेरिका की जमीन पर झूम उठी बाबर की सेना। जी हां दोस्तों, आखिरकार यूएसए के खिलाफ मुकाबले से ठीक पहले बाबर आजम की टीम के लिए आई है कौन सी तीन बड़ी खुशखबरी, बताएंगे आपको आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टी20 विश्व कप 2024 में पाकिस्तान की टीम को अपना पहला हाई वोल्टेज मुकाबला यूएसए के खिलाफ खेलना है। आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ये पहला मुकाबला 6 जून को खेलेगी। अमेरिका की टीम मौजूदा टी20 विश्व कप में एक मैच खेल चुकी है, जहां अमेरिका की टीम ने कनाडा को 7 विकेट से मात दी थी, जिसके बाद अमेरिका के हौसले काफी बुलंद होंगे। वहीं पाकिस्तान की टीम को इस टी20 विश्व कप में अभी तक कोई भी वार्म अप मुकाबला भी खेलने का मौका नहीं मिला है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम वहां के माहौल को समझना चाहेगी और यूएसए के खिलाफ उस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी। हालांकि इसी बीच इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान टीम के लिए तीन बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। पहली खुशखबरी के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 में मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की एंट्री होने जा रही है। अबरार अहमद की एंट्री होने के बाद पाकिस्तान की प्लेइंग 11 और भी मजबूत हो जाएगी। दूसरी खुशखबरी के बारे में बात की जाए तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 4 तेज गेंदबाज खेलते हुए नजर आएंगे, यानी कि पाकिस्तान की टीम अपने सबसे तेज गेंदबाज बॉलिंग अटैक के साथ मैदान पर उतरेगी, जिसमें शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और हरीश राउत शामिल होंगे, जो कि पाकिस्तानी फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। तीसरी और आखिरी बड़ी खुशखबरी के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान टीम को तीसरे नंबर पर खेलने वाले सबसे अच्छे बल्लेबाज उस्मान खान मिल गए हैं। उस्मान खान वहां के माहौल में ढल चुके हैं और उस्मान खान यूएसए के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान के लिए विस्फोटक पारी खेलते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो तीन बड़ी खुशखबरी जो टीम पाकिस्तान के लिए आई है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।